بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحسيناه في إمام مبين. जिस आयत को आप नाज़रीन की खिदमत में तिलावत का शरफ हासिल किया है वो आयत कुरान मजीद की मशहूर मारूफ आयत है कि जिसमें खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि हमने तमाम उलूम को इमाम मुबीन में अहसा कर दिया है। तो रसूल इस्लाम से पूछा गया कि इमाम मुबीन से कौन मुराद हैं, तो रसूल इस्लाम ने फरमाया इमाम मुबीन से मुराद रसूल के 12 जनशीन हैं, कि वो इमाम मुबीन हैं जिस जमीन पे कदम रखा वो नूर का मरकज बन गया। मक्के में कदम रखा मुअज्जमा हो गया, मदीने में कदम रखा तो मुनव्वरा हो गया, करबला में कदम रखा तो मुअल्ला हो गया, नजफ में कदम रखा तो अशरफ हो गया, काजबैन में कदम रखा तो शरीफैन हो गया, और मशहद में कदम रखा तो मुकद्दस हो गया। ये वो इमाम मुबीन है। खुदावंद आलम ने इन्हें सारे उलूम के इमाम मुबीन में ऐसा कर दिया है। इमाम मुबीन में से आज उस इमाम मुबीन का जिक्र करना है जिसका नाम अली है और लखब रिजा है। ये वो अफराद हैं, ये वो शख्सियतें हैं, ये वो इमाम हैं जो सलोनी सलोनी कहने वाले हैं, जो कुछ पूछना है पूछो सलोनी के दावे करने वाले हैं। इमाम को मामून रशीद ने वलीहद बना लिया। वलीहद बनाने के बाद मामून रशीद की यही कोशिश थी कि इमाम का मुकाम शियों की नजरों से गिर जाए, लेकिन इमाम हर मैदान में हर मुनाजरे में इल्म का मुजाहरा किया, इल्म के जरिए से दीन इस्लाम को फैलाया। तो इमाम जानते हैं, इल्म गैब से भी वाकिफ है, इल्म हाजिर से भी वाकिफ है। मामून रशीद के दरबार में एक ताजिर आया और उसने मामून रशीद से कहा कि मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए, क्या तुम खरीदोगे? मामून रशीद ने कहा वो क्या चीज है? उस ताजिर ने कहा कि मैं रसूल इस्लाम के बाल लेकर आया हूं। तो मामून रशीद ने कहा मुझे कैसे यकीन हो कि बाल रसूल इस्लाम के हैं? तो ताजिद ने कहा कि इस बालों की खुशबू से महसूस होता है कि रोज जमीन पर जमीन और आसमान के दरमियान ऐसा कोई चीज मिलने वाली नहीं है, ऐसी खुशबू कहीं मिलने वाली नहीं है। मामून रशीद ने चंद दिनों में दिनार देकर उन बालों को खरीदा, एक मुकाम पे रखा और उसको ज्यारतगाह बना लिया। शहर के सारे लोग आते ज्यारत करते, शहर के मुल्क के सारे अफराद आते उस रसूल इस्लाम की बाल की ज्यारत करते। जब ये बात इमाम रजा अलैहिस्सलाम को मालूम हुई तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए और मामून रशीद से कहा कि मैंने सुना है कि यहां पे मेरे जद नाना रसूल के बाल हैं, मैं ज्यारत करना चाहता हूं। जब उस मकाम पर इमाम पहुंचे तो क्या देखा कि 7 बाल हैं। इमाम ने उन 7 बालों में से 4 को अलग किया और 3 को अलग किया। तो मामून ने कहा आपने 4 और 3 को अलग क्यों किया?
तो इमाम ने फरमा इन चार बालों से मेरे जद नाना रसूल की खुशबू महसूस हो रही है और इन तीनों से नहीं। तो मामूश ने कहा वो आप महसूस कर रहे हैं, हमें कैसे पता चले ये चार बाल रसूल इस्लाम के हैं ये तीन नहीं है, हमें तो कोई महसूस नहीं हो रहा है। तो इमाम ने कहा एक चराग रोशन करो, एक आग रोशन करो। चराग रोशन की गई तो तीन बालों को इमाम ने आग के हवाले किया यानी जहन्नम के हवाले किया और तीनों बाल जल गए। जब इमाम ने उन चार बालों को आग के हवाले किया तो आग गुलजार हो गई। अल्लाह अकबर। जब रसूल के बाल का यह मुकाम है तो रसूल के आग का क्या मुकाम होगा? अल्लाह अकबर। तो मामून रशीद की यही कोशिश थी कि किसी भी किसी तरह मुनाजिरे के जरिए से इमाम के मुकाम को शियों की नजरों से गिरा दिया जाए, लेकिन खुदरत को भी यह जिद थी कि हक झुकने ना पाए। एक मरतबा मामून रशीद ने तमाम उलमाए अध्यान ने आलम को बुलाया, दुनिया में जितने भी अध्यान है तमाम अध्यान के उलमा को बुलाया मुनाजिरे के लिए। जब सब सब जमा हो गए और एक इमाम का चाहने वाला था, मामून ने कहा जाओ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को लेकर आओ मुनाजिरे के लिए। वो घबरा हुआ था, इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा मौला मामून रशीद ने तुम्हें तलब किया है मुनाजिरे के लिए। तो इमाम ने कहा तू क्यों घबरा रहा है? गुलाम ने कहा मौला दुनिया के तमाम अज्ञान के आलिम आए हैं कि टेढ़े मेढ़े सवाल करेंगे, मुझे डर है वो सवाल को घुमा फिरा कर सवाल करेंगे। तो इमाम ने फरमाया क्या तुझे अपने इमाम पे यकीन नहीं है? कहा कि चेहरा मेरा नहीं, चेहरा मामून के देखने के लायक होगा। जब इमाम गए तमाम उलमा मौजूद थे, तमाम उलमाए अध्ययन मौजूद थे। तो इमाम ने कहा सलूनी सलूनी, हम वो घराने सलूनी के घराने वाले हैं, जो कुछ पूछना है पूछो। तो कुछ उलमा ने कहा नहीं सवाल हम करेंगे, सवाल हम नहीं सवाल आप करेंगे। इमाम ने कबूल कर लिया, अच्छा सवाल मैं करूंगा। तो इमाम ने कहा कि उसूल दीन में सबसे पहले तौहीद है, तो ईसाई के उलमा से सवाल किया क्या तुम ईसा को मानते हो? तो तमाम ईसाइयों ने कहा हम खुदा को मानते हैं, ईसा इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं। तो मौला रसूल अल्लाह ने कहा हम भी ईसा को मानते हैं, लेकिन ईसा अल्लाह के नबी हैं, साहेब किताब हैं, साहेब शरीयत हैं, वो अब्दुल्लाह है इब्नुल्लाह नहीं है, इब्नुल्लाह यानी अल्लाह के बेटे। इमाम ने फरमाया वो इब्नुल्लाह ने ये अब्दुल्लाह है। ईसाइयों ने कहा वो आप मानते हैं? तो इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने कहा अच्छा अगर आप हज़रत ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं तो हज़रत ईसा में सारे खूबियां हैं लेकिन ये खूबी नहीं है। तमाम उलमा जो ईसाई के थे सवाल किया वो क्या खूबी नहीं है हमारे ईसा में? तो इमाम ने फरमाया वो इबादत से गाफिल थे, नमाज रोजे से गाफिल थे। तमाम ईसाइयों के उलमा देश में आया और सवाल किया आपने कैसे तोहमत लगाई? हमारे ईसा अलैहिस्सलाम रात में बिस्तर तक नहीं बिछाते, रात भर इबादत में शब गुजारते और दिन में कभी दस्तरखान नहीं बिछाया, दिन में रोजा और शब में इबादत, और तुमने हमारे ईसा को तोहमत लगा दी बात नहीं करते थे। तो मौलाए मुत्तखिर ने फरमाया, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर तुम मानते हो कि हजरत ईसा रोजा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत गुजार थे, क्या तुम मानते हो? तो उलमा ने कहा जी हाँ मानते हैं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमला कहा
जो इबादत करता है वो इब्नुल्लाह नहीं होता, वो अब्दुल्लाह होता है। जो इबादत करता है वो अल्लाह का बेटा नहीं होता, अल्लाह का बंदा होता है। लिहाजा मामून की यही कोशिश थी कि इमाम के मुकाम को शियों की नजरों से गिरा दिया जाए, लेकिन कुदरत की जिद थी कि हक झुकने ना पाए, हमेशा हक का सर बुलंद रहे। तो लिहाजा सबसे आखिर में दुआ को परवरदिगार इमाम जमीन का वास्ता अर्जी व समय वेलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार इमाम जमीन का वास्ता तमाम नाजरीन को हज व जरा से मुशर्रफ फरमा, हमारे इमाम जमाना के जहर में ताजील फरमा और उनके लश्कर में हम सब को शुमार फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।